दरभंगा बाजार में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पे। इंडिया पोस्ट रेडियस रिक्वायरमेंट 2021, बिहार पोस्टल सर्किल 1940 रेडियस के पदों पर आवेदन की तारीख बढ़ी। यूपीएससी मेंस का रिजल्ट जारी। बिहार में शिक्षक नियोजन को लेकर शेड्यूल जारी, 5 जुलाई को पंचायत में होगी काउंसलिंग। बिहार की हर पंचायत में लगेगी 150 सोलर लाइट। बिहार पंचायत चुनाव 10 चरणों में हो सकते हैं इलेक्शन। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर एक्शन में आएगा, अधिकारियों को किया नॉमिनेट, यानी किस जिले में कहां से आएगा ईवीएम। बेनीपुर में दिनभर बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। दरभंगा एयरपोर्ट, सरकार को इंडियन एयरफोर्स से मिली एनओसी, टर्मिनल भवन बनाने का रास्ता हुआ साफ। दरभंगा में कल से नगर निगम क्षेत्र में 22 वार्डों में चलाया जाएगा टीकाकरण अभियान। विश्वविद्यालय के पीएचडी विभाग ने नहीं दिया पैक, 2020 के रिक्त सीटों का सही ब्यौरा उठे सवाल। अब खबर विस्तार से। इंडिया पोस्ट रेडियस रिक्वायरमेंट 2021, बिहार पोस्टल सर्किल 1940 रेडियस के पदों पर आवेदन की तारीख बढ़ी। इंडिया पोस्ट रेडियस रिक्वायरमेंट 2021 भारतीय डाक विभाग के बिहार पोस्टल सर्किल में 1940 ग्रामीण डाक सेवा रेडियस भर्ती के लिए आवेदन की तिथि आगे बढ़ा दिया है। इच्छुक उम्मीदवार अब जुलाई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट रिक्वायरमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट apost.in पर जारी सूचना के अनुसार अब उम्मीदवार 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को भारतीय डाक विभाग के जीडीएस भर्ती पोर्टल apost.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना अनिवार्य है। उम्मीदवार का उम्र 18 से 40 वर्ष से कम अधिक नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि बिहार पोस्टल सर्किल से ग्रामीण डाक सेवाओं की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 27 अप्रैल को शुरू हुई थी, जो कि 26 मई 2021 तक चली थी। हालांकि विभाग ने आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी थी। बीपीएससी मेंस का रिजल्ट जारी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 65वीं मुख्य परीक्षा का परिणाम बुधवार को जारी हो गया है। बीपीएससी की 65वीं मुख्य परीक्षा वर्ष 2020 के नवम्बर 25, 26 एवं 28 को आयोजित की गई थी। इसके माध्यम से एक दर्जन से अधिक विभागों में 434 अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। बिहार में शिक्षक नियोजन को लेकर शेड्यूल जारी, 5 जुलाई को पंचायत में होगी काउंसलिंग। प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए 1 जुलाई में घोषित शेड्यूल के तहत 6175 पंचायतों में काउंसलिंग की जाएगी। इसके अलावा 2 नगर निगम, 23 नगर परिषद, 49 नगर पंचायत और 115 प्रखंड नियोजन इकाइयों में भी जुलाई में काउंसलिंग कराई जाएगी। ये वो नियोजन इकाइयां हैं जहां दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन नहीं आए हैं। शेष नियोजन इकाइयों में अगस्त में निर्धारित तिथियों पर काउंसलिंग की जाएगी। बिहार की हर पंचायत में लगेगी 150 सोलर लाइट। बिहार के गांव की गलियां अब अंधेरे में नहीं रहेगी, सोलर स्ट्रीट लाइट से रोशनी होगी। सरकार की यह योजना थी कि सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। इसके लिए सर्वे का काम पूरा हो गया है, जल्द ही योजना के कैबिनेट को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। एक पंचायत में औसतन 150 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। इसके लिए सर्वे का काम पूरा हो गया है। राज्य सरकार की इकाई ब्रेडा द्वारा इस योजना को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि इस बार सरकार ने मुखिया की भूमिका काफी सीमित कर दी है, ऐसा पिछले योजनाओं में बड़े पैमाने पर घपले की वजह से किया गया है। तय योजना के तहत एक वार्ड में 10 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। स्थानीय लोगों की सहमति से स्थान चिन्हित किए जाएंगे। एक पंचायत में 150 स्ट्रीट लाइट लगाए जाने की योजना, 140 स्ट्रीट लाइट सर्वे में चिन्हित स्थानों पर लगाई जाएगी। वहीं 10 स्ट्रीट लाइट कहां लगेगी यह तय करना अधिकार संबंधित पंचायत के मुखिया का होगा। बिहार पंचायत चुनाव 10 चरणों में हो सकते हैं इलेक्शन। बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 3 अगस्त से 3 नवंबर तक हो सकती है। 10 चरणों में पंचायत चुनाव कराने को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। इसमें पहले चरण के चुनाव की प्रक्रिया 3 अगस्त को प्रपत्र 5 में सूचना के प्रकाशन के साथ की जा सकती है, जबकि पहले चरण का मतदान 27 अगस्त को होने की संभावना है। इसी प्रकार 10वें व अंतिम चरण के लिए 4 अक्टूबर को सूचना का प्रकाशन कर 31 अक्टूबर को मतदान करने की संभावना है। सभी 10 चरणों में 3 दिनों के अंदर मतगणना भी कराया जा सकता है। 10वें व अंतिम चरणों के चुनाव को लेकर 2 व 3 नवंबर को मतगणना कराए जाने की संभावना है। वीडियो को लाइक कर दे, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए न्यूज वीडियो लाते रहे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि सुबह सुबह सबसे पहले न्यूज आप देख सके। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर एक्शन में आएगा, अधिकारियों को किया नॉमिनेट, यानी किस जिले में कहां से आएगा ईवीएम। पंचायत चुनाव को लेकर जिले में ईवीएम मांगने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी जिले में आवंटित किए गए हैं। ईवीएम को विभिन्न राज्यों से मंगाने के लिए पदाधिकारियों को नामित किया गया है।
आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा अपने अपने आवंटित राज्यों में ईवीएम मंगाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि समय पर ईवीएम बिहार पहुंच जाए। दूसरे राज्यों से कुल 2,08,024 बैलेट यूनिट और 1,88,376 कंट्रोल यूनिट बिहार लाया जाएगा। आयोग सूत्रों के अनुसार फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था में ईवीएम लाया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा नामित पदाधिकारी सुरक्षा बलों की टीम के साथ संबंधित राज्यों में जाएंगे और वहां से ट्रंकों में ईवीएम को रखकर उसे पूरी तरह सील बंद कर पूरे रास्ते पर पूरी सुरक्षा और व्यवस्था के साथ जिले में पहुंचाएंगे। ईवीएम को लाकर जिला स्तरीय भंडार में रखा जाएगा। इसके बाद सभी ईवीएम का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद उनका उपयोग चुनाव को लेकर किया जाएगा। दरभंगा राजस्थान से आवंटित ईवीएम लाया जाएगा। बेनीपुर में दिनभर बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रखंड व नगर परिषद क्षेत्र में मंगलवार को हुई झमाझम बारिश से सड़कों पर जल जमाव हो गया है। बरसाती पानी लोगों के घर में प्रवेश कर गया है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तरौनी पंचायत के विश्वनाथपुर फरदाह गांव में दर्जनों लोगों के घर में बरसाती पानी प्रवेश कर गया है। बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। अधिकतर लोग अपने घर में पानी निकालने में जुट गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि वार्ड 15 में नाले निर्माण नहीं होने के कारण बरसाती पानी घर में घुस चुका है। सड़क निर्माण का कार्य भी आधा अधूरा है। जल निकासी के लिए निर्माण कार्य ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। बरसाती पानी का बहाव अवरुद्ध होने से गांव के अधिकतर लोगों का घर में पानी प्रवेश कर गया है। स्थानीय वार्ड सदस्य एवं मुखिया को नाला बनाने की मांग की गई, लेकिन नाला निर्माण कार्य नहीं शुरू किया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट, सरकार को इंडियन एयरफोर्स से मिली एनओसी, टर्मिनल भवन बनाने का रास्ता हुआ साफ। बिहार सरकार को दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार की मंजूरी मिल गई है। भारतीय वायुसेना ने सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है। इसकी जानकारी मंत्री संजय कुमार झा ने दी है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकारी ने एयरपोर्ट पर मौजूदा बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए वायुसेना से 2.43 एकड़ भूमि की मांग की थी। मंत्री संजय कुमार झा ने बुधवार को ट्वीट कर कहा, हमें खुशी है कि दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए इंडियन एयरफोर्स से एनओसी मिल गई है। राज्य सरकार अब जल्द आवश्यक भूमि का अधिग्रहण करेगी ताकि यहां टर्मिनल भवन और जरूरी सुविधाओं का निर्माण कराया जा सके। दरभंगा में कल से नगर निगम क्षेत्र में 22 वार्डों में चलाया जाएगा टीकाकरण अभियान। समाहरणालय के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान की सफलता को लेकर बैठक की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र के 22 वार्डों में 1 जुलाई से और ग्रामीण क्षेत्रों में 2 जुलाई से कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए वैक्सीन का 6500 डोज उपलब्ध कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ने जिला प्रतिक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्र को नगर आयुक्त दरभंगा नगर निगम समन्वय स्थापित कर टीकाकरण की पूरी तैयारी करने को निर्देशित किया। कहा कि इस अभियान के तहत दिए गए लक्ष्य को हर हाल में पूरा करना होगा। दिए गए लक्ष्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय के PhD विभाग ने नहीं दिया पैक, 2020 के रिक्त सीटों का सही ब्यौरा उठे सवाल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के PhD शाखा ने PhD प्रवेश परीक्षा 2020 में रिक्त सीटों पर दोबारा दाखिला लेने के लिए विषयवार रिक्त सीटों पर प्रतीक्षारत उम्मीदवार की सूची 26 जून को विश्वविद्यालय के आधिकारिक साइट पर डाली तो गई, लेकिन उसमें बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। विश्वविद्यालय के PhD विभाग ने रिक्त सीटों का सही ब्यौरा नहीं दिया है। 7 विषयों में 16 रिक्त सीटों पर प्रतीक्षारत उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए नामांकन के लिए आमंत्रित किया गया। सूची में बॉटनी में 1, कॉमर्स में 3, ड्रामेटिक्स में 3, इकोनॉमिक्स में 1, इंग्लिश में 5, डच हदी में 1, मनोविज्ञान में 2 सीट पर कोर्स वर्क में नामांकन के लिए प्रतीक्षारत उम्मीदवार को सूची जारी की गई थी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दरभंगा बाजार।